हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने CHS एंटर एग्ज़ाम 2023 का एग्ज़ाम दिया था और जिनके बहुत कम मार्क्स आए हैं, यानी सिलेक्शन के दोस्तों बहुत कम चांस हैं, वो बच्चे अब क्या करें? क्या उनको दोबारा से फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो बच्चे अब क्या कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर को आंसर की के साथ मैच करके जरूर देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, यानी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और उसी के आधार पर आप लोगों ने जाना होगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर दोस्तों किसी स्टूडेंट को डाउट है तो दोस्तों मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो डाली हुई है, आप एक बार उस वीडियो को देखिए और वीडियो में जो भी मैंने कट ऑफ आपको बताई है तो उससे मैच करके देखिए कि आपके मार्क्स हैं वो उसके आसपास हैं या बहुत ही कम हैं। अगर आपके मार्क्स दोस्तों उसके आसपास हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन दोस्तों वीडियो में बताए गए कट ऑफ से अब अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम हैं तब दोस्तों आपके सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तो एक परीक्षा थी, हार जीत दोस्तों जिंदगी का हिस्सा होती है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना है कि आपकी गलती कहाँ रही, आपकी कमी कहाँ रही, जिसकी वजह से दोस्तों आपके कम मार्क्स आए हैं। उस गलती को, उस कमी को एनालाइज करके आपको सीखना है ताकि वो गलती दोस्तों ज़िंदगी में दोबारा कभी ना हो, ठीक है? तो आपको अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करना है। दोस्तों, गलती होना गलत नहीं होता, लेकिन गलती को दोहराना बिल्कुल गलत है, ठीक है? अगर आपसे गलती हुई है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप दोस्तों उस गलती को सुधारोगे नहीं, बार बार उस गलती को करोगे तो ये सरासर गलत है। तो अपने आप को दोस्तों पहचानिए है आपकी कहां पे गलती रही, कहां पे कमी रही। दोस्तों, अगर आपने क्लास 9th के लिए CHS एंट्री एग्जाम दिया था और आपके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास दोस्तों एक मौका और है सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन लेने का, और वो है दोस्तों क्लास 11th में। तो दोस्तों, आप लोग क्लास 11th में दोबारा से एग्जाम देके सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, और इसके लिए दोस्तों आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्टडी के साथ साथ दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते जाइए ताकि दोस्तों आप इजीली क्लास 11th वाले एंटर एग्जाम को क्लियर कर पाओ और इजीली दोस्तों सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन ले लो। और दोस्तों, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के लिए अगर आपने CHS एंटर एग्जाम दिया था तब आप क्या करें, क्योंकि दोस्तों क्लास 11th के बाद तो कोई मौका भी नहीं होता। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपका BHU कैंपस में पढ़ने का दिल करता है, आपका सपना है BHU कैंपस में पढ़ने का, तो दोस्तों 12th के बाद आप कॉलेज डिग्री वहां से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, वो तो कॉलेज डिग्री हो गई, अगर आपका सपना दोस्तों हॉस्टल स्कूल में पढ़ना है, एक बोर्डिंग स्कूल में दोस्तों स्कूल की पढ़ाई करना है, तब क्या करें? तो तब भी दोस्तों आपके पास अभी एक मौका और बचा है, और वो है दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं जिनकी लास्ट डेट 31 मई 2023 है। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है एक हॉस्टल स्कूल में पढ़ने का, एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का, तो आप दोस्तों JNV का फॉर्म भर सकते हैं जिसकी लास्ट डेट 31 मई 2023 है। और दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा बोर्डिंग स्कूल है, एक हॉस्टल स्कूल है, जिस प्रकार आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल में फैसिलिटीज मिलती है, इसी प्रकार दोस्तों आपको नवोदय विद्यालय में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। और दोस्तों, आपने जो CHS एंटर एग्जाम के लिए तैयारी की थी वो तैयारी आपकी दोस्तों यहाँ पे काम आ जाएगी, वो वेस्ट भी नहीं होगी। आपको दोस्तों बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कम मेहनत में दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी आपके पास दोस्तों टाइम भी बहुत कम है, तो जो मेहनत आपने CHS एग्जाम में की थी वो मेहनत आपकी यहाँ पे काम आ जाएगी। बल्कि दोस्तों, जो नवोदय विद्यालय का सिलेबस है वो सेंट्रल हिंदू स्कूल के सिलेबस से बहुत ही कम है, तो आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में आप इजीली दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, इसका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फॉर्म कैसे फिल करें, और 2 महीने में जो आपके पास टाइम बचा है 1.5-2 महीने का, इसमें तैयारी कैसे करें, तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो आप वहां से दोस्तों इन सभी वीडियोज को देख सकते हो। या फिर दोस्तों ऊपर आई बटन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें दोस्तों सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और उस प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल और JNV से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी दोस्तों उसमें मिलती है। तो उस प्लेलिस्ट से दोस्तों आप इन सभी वीडियो को देख सकते हो। फिर भी दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको ऊपर से बता देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर दोस्तों आप 10th पास हो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इसमें दोस्तों आपको क्लास 11th में एडमिशन मिलेगा। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2006 से लेकर 31 जुलाई 2008 तक है, तब दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 100 मार्क्स का दोस्तों आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे,
करेंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 5 सब्जेक्ट दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, एक तो मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, SST और मैथ्स, सभी से दोस्तों 20-20 क्वेश्चन आएंगे 20-20 मार्क्स के। एग्जाम दोस्तों आपका 22 जुलाई को होगा, यानी आपके पास दोस्तों लगभग 1.5 से 2 महीने का समय है, तो दोस्तों जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म की डेट भी दोस्तों 31 मई 2023 है, तो जल्दी से दोस्तों फॉर्म को भर दीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए, ताकि दोस्तों आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ और एक हॉस्टल स्कूल में दोस्तों पढ़ सको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने और भी साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। और अगर आपका दोस्तों कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप दोस्तों कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों और भी ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।